चित्रलेखा उपन्यास का पहला परिच्छेद। परिच्छेद का अर्थ होता है भाग या खंड। छलकते हुए मद्रा के पात्र को चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा जानती हो जीवन का सुख क्या है? चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था। यौवन की उमंग में सौंदर्य किलोले कर रहा था। आलिंगन के पास में वासना हंस रही थी। चित्रलेखा ने मदिरा का एक घूंट पिया। इसके बाद वह मुस्कुराई। एक क्षण के लिए उसके अधरों ने बीजगुप्त के अधरों से मौन भाषा में कुछ बात कही, फिर धीरे से उसने उत्तर दिया, मस्ती। उस समय प्राय आधी रात बीत चुकी थी। बीजगुप्त का भवन सहस्त्रों दीप शिखाओं से आलोकित हो रहा था। द्वार पर शहनाई में बिहाग बज रहा था। केली भवन में नगर की सर्वसुंदरी नर्तकी के साथ सामंत बीजगुप्त यौवन की उमंग में निमग्न था और बाहर गहरे अंधकार में सारा विश्व। बीजगुप्त हंस पड़ा। सोच रहा हूं चित्रलेखा, यौवन का अंत क्या होगा? चित्रलेखा भी हंस पड़ी, पर हंसी क्षणिक थी। अचानक वह मीठी और उल्लास से भरी हंसी वेदना मिश्रित गंभीरता में परिणत हो गई। उसने भी शायद कभी इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चेष्टा की थी, पर प्रश्न इतना भयानक था कि वह उस पर अधिक देर तक सोच ना सकी। उसका सिर घूमने लगा था और इसके बाद मदिरा के पात्र में उस समय के लिए उसने उस दुखद विचार को डुबो दिया था। आज एकाएक फिर उसी प्रश्न को सुनकर वह चौंक उठी। जीवित मृत्यु नहीं, यह असंभव है। यौवन का अंत है एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा है वह ना तो मैं जानता हूँ और ना उसके जानने की इच्छा ही है। भूत और भविष्य ये दोनों ही कल्पना की चीज़ें हैं जिनसे हमको कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान हमारे सामने है। और वह बीजगुप्त रुक गया, शायद वह आगे के शब्दों को ढूंढने लगा था। और वह उल्लास विलास है, संसार का सारा सुख है, यौवन का सार है। चित्रलेखा ने हंसते हुए वाक्य पूरा कर दिया। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को आलिंगन पास में लेकर कहा, तुम मेरी मादकता हो। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, और तुम मेरे उन्माद हो। चित्रलेखा वेश्या ना थी, वह केवल नर्तकी थी। पाटलिपुत्र की असाधारण सुंदर नर्तकी की का वेश्यावृत्ति स्वीकार ना करना, यह बात स्वयं ही असाधारण थी। पर उसके कारण थे, और उन कारणों का उसके गत जीवन से गहरा संबंध था। चित्रलेखा ब्राह्मण विधवा थी। वह विधवा उस समय हुई थी जिस समय उसकी अवस्था 18 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के बाद संयम उसका नियम हो गया था, पर बात वैसी ही अधिक दिनों तक ना रह सकी। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य क्षत्रिय और शूद्रा का वर्ण संकर पुत्र था। कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था, और उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कृष्णादित्य ने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी। सुंदरी चित्रलेखा का दबा हुआ यौवन विकसित हो गया। विराग का तेज उल्लास की चमक से दब गया। चित्रलेखा के जीवन का स्रोत बदल गया। कृष्णादित्य ने चित्रलेखा से शपथ ली, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, कोई भी हम दोनों को अलग ना कर सकेगा। चित्रलेखा ने कृष्णादित्य की शपथ पर विश्वास कर लिया था। उसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ। चित्रलेखा गर्भवती हो गई। गुप्त प्रेम संसार पर प्रकट हो गया। कृष्णादित्य के पिता ने कृष्णादित्य को निकाल दिया और चित्रलेखा के पिता ने चित्रलेखा को। संपन्न पिता का पुत्र कृष्णादित्य गर्भवती सुंदरी चित्रलेखा को लेकर भिखारी की भांति जनरों में निकल पड़ा। त्याज्य नवयुवक को समाज की भर्त्सना और अपमान असह्य हो गए।
इस अपमानजनक जीवन की अपेक्षा मृत्यु उसे अधिक प्रिय लगी। रह गई चित्रलेखा, उसे एक नर्तकी ने अपने यहाँ आश्रय दिया। चित्रलेखा को एक पुत्र हुआ, पर उत्पन्न होने के साथ ही वह संसार को भी छोड़ दिया। चित्रलेखा का कंठ कोमल था और शरीर सुंदर। जिस नर्तकी ने उसे आश्रय दिया था, उसने उसे नृत्य तथा संगीत की कला की शिक्षा दी। इसके बाद चित्रलेखा भी नर्तकी हो गई। रहा भोग विलास, चित्रलेखा ने एक बार फिर वैधव्य के संयम के पालने का प्रयत्न किया। कृष्णादित्य और कृष्णादित्य का पुत्र दोनों ही चित्रलेखा के जीवन में आकर निकल गए, पर दोनों ही अपनी अपनी स्मृति उसके हृदय पटल पर छोड़ गए। पाटलिपुत्र का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों पर लोटा करता था, पर चित्रलेखा ने संयम के तेज से जनित कांति को बनाए रखा। बड़े बड़े शक्तिशाली सरदार और लक्षाधीश नवयुवक उसके प्रणय के प्यासे थे, पर उसको कोई भी ना पा सका। जन समुदाय के सामने वह असाधारण सुंदरी आती थी और विद्युत की भांति चमक कर वह उनके सामने से लोप हो जाती थी। जिसने उसे एक बार देखा, उसके हृदय में उसे एक बार फिर देखने की अमिट साध उत्पन्न हो गई। एक दिन बिजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने गया। नाचते नाचते चित्रलेखा की दृष्टि बिजगुप्त पर पड़ी। एकाएक उसका मुख श्वेत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कृष्णादित्य स्वर्ग से उतरकर उसका नृत्य देखने आया है। वह रुक गई और एकटक अपने को तथा अपने सामने बैठे हुए जन समुदाय को भूलकर बीजगुप्त की ओर देखने लगी। बीजगुप्त युवा था, उसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। चित्रलेखा के सौंदर्य के वशीभूत होकर वह भी एकटक उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गई। जन समुदाय की आंखें उस व्यक्ति की ओर घूम गई जिसको चित्रलेखा देख रही थी। लोगों के मुख से निकल पड़ा, अरे यह तो बीजगुप्त है। चित्रलेखा ने भी यह सुना, पर अपनी भूल पर उसे परिताप हुआ, पर उससे अधिक क्रोध। बीजगुप्त की ओर से आंखें फेर कर वह नृत्य करने लगी। नृत्य समाप्त होने के बाद बीजगुप्त चित्रलेखा के सामने गया। उसने कहा, क्या कभी आपके स्थान पर आपके दर्शन कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? चित्रलेखा ने बीजगुप्त की ओर देखा और वह हंस पड़ी। नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। बीजगुप्त की आशा पर तुषारापात हुआ। उसका प्रफुल्ल मुख मुरझा गया। फिर भी उसने साहस किया। व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। समुदाय की प्यास उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्यास है। फिर यह भेद क्यों? भेद जानना चाहोगे तो सुनो, जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वह समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। निर्बल व्यक्तियों की आहें संगठित होकर समुदाय द्वारा जनित क्रांति का रूप धारण कर सकती है, और साथ ही जहां समुदाय से हानि की कोई संभावना नहीं होती, वहां व्यक्ति का ममत्व भाव भयोत्पादक केंद्र बन जाता है। बीजगुप्त प्रेम करने गया था, दर्शन पर तर्क करने के लिए नहीं। उसने कहा, तो फिर यह समझ लूं कि मेरे लिए आपका द्वार बंद है? बीजगुप्त के मुख पर निराशा की हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। व्यक्तित्व तो जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है। इतना कहकर तीर की भांति वह वहां से चला गया। बीजगुप्त चला गया, पर चित्रलेखा के हृदय में वह एक प्रकार की हलचल पैदा कर गया। दिन पर दिन बीतते गए, पर चित्रलेखा ने बीजगुप्त को फिर ना देखा। कृत्रिम उपेक्षा धीरे धीरे दूर होती गई और चित्रलेखा के हृदय में बीजगुप्त की स्मृति प्रबल हो उठी। नृत्य ही नृत्य भवन में
बैठे हुए दर्शकों में उसकी आंखें बीजगुप्त को ढूंढती थी, पर अंत में उन्हें निराश होना पड़ता था। लाख दबाने की चेष्टा करने पर भी अभिलाषा प्रबल होती गई। एक दिन चित्रलेखा ने अपनी दासी से पूछा, इस नगर में बीजगुप्त नाम का कोई व्यक्ति रहता है? दासी ने उत्तर दिया, बीजगुप्त को कौन नहीं जानता, वह इस नगर का सबसे सुंदर तथा प्रतिभाशाली प्रभावशाली युवक सामंत है। चित्रलेखा ने दासी को एक पत्र दिया और उसे बीजगुप्त को देने को कहा। दासी ने बीजगुप्त को वह पत्र दे दिया। उसमें लिखा था, चित्रलेखा बहुत सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वह व्यक्ति बीजगुप्त है। पत्र पढ़ते ही बीजगुप्त के सारे शरीर में सुख का एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। उसी दिन से इन दो प्राणियों का साथ हुआ था, पर फिर भी चित्रलेखा बेस्या ना थी। बीजगुप्त ने हंसकर कहा, मादकता और उन्माद इन दोनों का सदा साथ रहा है और रहेगा। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं। उस समय चित्रलेखा भी हंस रही थी। इसी समय शहनाई का बजना बंद हो गया। प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, श्रीमान, द्वार पर अतिथि हैं, क्या आज्ञा है? बीजगुप्त ने आलिंगन पास ढीला कर दिया। चित्रलेखा उससे कुछ दूर हटकर बैठ गई। बीजगुप्त ने परिचायिका से कहा, अतिथियों को यहीं आने दो। इतना कहकर उसने मद्रा का पात्र खाली कर दिया। अर्धरात्रि के समय कौन से अतिथि आ सकते हैं, बीजगुप्त इस विषय पर सोच रहा था। उसी समय श्वेतांग के साथ रत्नांबर ने बीजगुप्त के केली गृह में प्रवेश किया। रत्नांबर को देखकर बीजगुप्त ने उठकर अभिवादन किया और चित्रलेखा ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। केली गृह को एक बार अच्छी तरह से देखने के बाद रत्नांबर की आंखें चित्रलेखा पर रुक गई। थोड़ी देर तक रुककर रत्नांबर ने कहा, नगर की सर्वसुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली गृह में, आश्चर्य होता है। इतना कहकर रत्नांबर आसन पर बैठ गए। श्वेतांक खड़ा ही रहा। बीजगुप्त ने रत्नांबर से पूछा, महाप्रभु ने किस कारण दास पर कृपा करने का इस समय कष्ट उठाया? रत्नांबर हंस पड़े, बीजगुप्त, तुमसे सब बातें स्पष्ट रूप से कहूंगा। आज मेरे शिष्य ने मुझसे प्रश्न किया कि पाप क्या है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तुम मेरे शिष्य रहे हो। मैंने कभी तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली। पाप का पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त स्थान नहीं है। संसार के भोग विलास में ही पाप का पता लग सकेगा। तुम्हारा भवन और तुम्हारा समाज, इन चीज़ों से श्वेतांग को विज्ञ कराना आवश्यक है। इसलिए मैं इसको तुम्हारे सामने सेवक रूप में उपस्थित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सेवक रूप में स्वीकार करो। पर एक बात और याद रखना, यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। बीजगुप्त ने अपना मस्तक नमा दिया। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरा एक काम पूरा हो गया। और श्वेतांग, यह याद रखना कि बीजगुप्त तुम्हारे प्रभु हैं और तुम इनके सेवक। इस वैभव को भोगो और फिर पाप का पता लगाने का प्रयत्न करो। अच्छा और बुरा यह तुम्हारे सामने आएगा, पर इस कसौटी पर ध्यान रखना कि अच्छी वस्तु वही है जो तुम्हारे वास्ते अच्छी होने के साथ ही दूसरों के वास्ते भी अच्छी हों। और बीजगुप्त, तुमसे केवल यही कहना है कि श्वेतांग के दोषों को क्षमा करना। यह अभी अबोध है, संसार में अभी पदार्पण ही कर रहा है। इतना कहकर रत्नांबर केली भवन से चले गए। रत्नांबर के जाने के बाद बीजगुप्त ने श्वेतांग को बड़े गौर से देखा। तुम्हारा नाम श्वेतांग है और तुम आज से मेरे सेवक हुए,
इतना कहने के बाद बीजगुप्त के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। चित्रलेखा की ओर संकेत करके बीजगुप्त ने कहा, जानते हो श्वेतांग या कौन है? श्वेतांग की आंखें रात्रि के समय प्रकाश के जगमगाते हुए सुसज्जित केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गई। उसने कहा, नहीं। अच्छा तो सुनो, इनका नाम चित्रलेखा है और यह पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नर्तकी होते हुए भी मेरी पत्नी के बराबर हैं, इसलिए यह तुम्हारी स्वामिनी भी हुई। इतना कहकर बीजगुप्त हंस पड़ा। तुम आश्चर्य में आ गए होगे, पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, यहाँ रहकर तुम परिस्थितियों को अपना सकोगे। अच्छा, यह मदिरा का पात्र अपनी स्वामिनी को दो। इतना कहकर बीजगुप्त ने सुगंधित मदिरा से भरा हुआ स्वर्ण पात्र श्वेतांग के हाथ में दे दिया। श्वेतांग ने मदिरा का पात्र चित्रलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदिरा का पात्र लेते हुए श्वेतांग का हाथ चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श कर गया। इस स्पर्श से श्वेतांग का सारा गात कांप सा गया। चित्रलेखा ने श्वेतांग की ओर देखा, नवयुवक, तुम्हें इस अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में बधाई है। इतना कहकर उसने मदिरा का पात्र खाली कर दिया। उसी समय प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, शयन का समय हो गया। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से पूछा, यहाँ रहोगी या अपने भवन को जाओगी? चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। द्वार की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, अपने भवन को ही इस समय जाना उचित होगा, पर शायद अकेली ना जा सकूंगी। उस समय उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। परिचारिका ने केली गृह में प्रवेश किया। बीजगुप्त भी उठ खड़ा हुआ, हाँ, इस समय अकेले जाना वास्तव में असंभव होगा। कुछ देर तक सोचकर बीजगुप्त ने श्वेतांग से कहा, द्वार पर रथ खड़ा है, उसमें बिठाकर तुम अपनी स्वामिनी को उसके भवन तक पहुंचा दो। उस समय तक तुम्हारे शयन गृह का प्रबंध हो जाएगा। श्वेतांग चित्रलेखा के साथ चला गया। बीजगुप्त ने परिचारिका को श्वेतांग के शयन गृह का प्रबंध करने की आज्ञा देकर निद्रा देवी की शरण ली। और इसी के साथ चित्रलेखा उपन्यास का यह पहला परिच्छेद यहीं समाप्त होता है। दूसरा परिच्छेद आगे। धन्यवाद।